समर्थन में बीजेपी के सारे नगर सेवकों ने मोर्चा निकाला। उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में बोरीवली पश्चिम वीर सावरकर उद्यान पर सीए के समर्थन में बीजेपी के सभी नगर सेवकों ने मोर्चा निकाला। देश में कहीं कहीं हो रहे सीए के विरोध को देखते हुए उत्तर मुंबई के बीजेपी के सभी नगर सेवकों ने अपने वार्ड से भारी संख्या में सीए के समर्थन में रैली निकालते हुए बोरीवली पश्चिम वीर सावरकर उद्यान के पास सभी इकट्ठा हुए, जहां बोरीवली विधायक सुनील राणे, सांसद गोपाल शेट्टी, बीजेपी के सभी वार्ड के नगर सेवक इकट्ठा हुए। ये देश हित का कानून है, सीए को लोकसभा और राज्यसभा ने मंजूरी दी है, सीए को राष्ट्रपति ने उसके पर मोहर लगा दी है, सीए इंप्लीमेंट हो गया। उसके बावजूद भी देश में कुछ विघटनवादी शक्तियां हैं, वो लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों का दिशा भूल कर रही है। तो ऐसे समय पर सही लोग जो है उन्होंने भी रास्ते पर आना चाहिए। ये देशभक्ति को आगे बढ़ाने वाली बात है। इसलिए बोरीवली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा ही देशभक्ति के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। तो 8 दिन के पहले भी एक रैली हुई थी, आज दूसरी बार हुई है और तीसरी बार वापस अभी 14 तारीख को रैली निकालने का घोषणा हमारे विधायक ने किया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के समर्थन में, सीए के समर्थन में देश की रक्षा और सुरक्षा हो, इस प्रकार का जो भी कायदा कानून बनेगा देश में उसके साथ में हमेशा रहेंगे, ये जताने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग रास्ते पर उतरे। राहुल गांधी ने 6 महीने बाद निकाल देंगे उसको लेकर, अभी राहुल गांधी को पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझ में आता नहीं है। 2014 के चुनाव में देश के लोगों ने इनके पैर पे डंडा मार के इनका पैर कमजोर किया, 2014 में फिर डंडे इनको मारे, इतने डंडे इनको पड़े कि इनके हाथ पैर से ढीले कर दिए पब्लिक ने। अब राहुल गांधी को ये पता चल रहा है कि 2024 को इनके सर पर हथौड़ा पड़ने वाला है, देश की जनता इतनी बड़ी मार मारने वाली है 2024 को, इसलिए ये सब अटपटा रहे। इसके लिए ये सारे जो कारण ये कर रहे हैं ये उसका परिचय है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है साहब।